सो पीपल वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद नेशनलिज्म इन इंडिया. और हमने देखा कि कैसे गांधी जी एक के बाद एक मूवमेंट्स लॉन्च कर रहे थे एंड हाउ सक्सेसफुल वेयर दे. ठीक है, ओके. सो मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स, दिस हैपेंड इन इलाहाबाद इन 1931. ठीक है, 1931 में ये मीटिंग हुआ. अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम लेफ्ट, जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट एंड सुभाष चंद्र बोस. सो ऑल दीज पीपल बेसिकली मेट इन इलाहाबाद टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, नेशनल द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, ये वाला हो चुका था ना, दिस वॉज डन राइट, ये हो चुका था पूरा. अरे बाबरे बाबरा, अरे बाबरे बाबा, ये कहाँ तक हो गया. दिस ये भी हुआ था ना, अब्दुल गफार खान. अरे का हो गया भाई साहब, ये तो बहुत पुराना है. ये नहीं हुआ था ना, हुआ था क्या? ये भी हो चुका था भाई साहब. Let us see. Okay, people, so we will see the limits of civil disobedience movement. We'll continue with nationalism in India. और इसके तहत हम यहाँ पे limits देखेंगे civil disobedience movement का. ठीक है, the limits of civil disobedience. No, not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. तो सारे social groups भाई साहब इससे move नहीं हुए. ठीक है, जो स्वराज का concept था वो सारे social groups इससे excite नहीं हुए. ठीक है, some were basically crippled. One such group was the nation's untouchables who फॉर्म अराउंड अनटचेबल्स. नेशन के अनटचेबल्स इनको बोला जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे भाई साहब छुआछूत की प्रथा थी. ठीक है, सो जो भी मतलब इन द इंडियन सोसाइटी जिसको भी भाई साहब माना जाता था कि लोअर कास्ट के हैं, सो वी विल नॉट इवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम देम. ठीक है, इस तरीके की भाई साहब छुआछूत की बीमारी थी. ठीक है, वन सच ग्रुप वॉज द अनटचेबल्स who form around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. ठीक है, तो इनको दलित ग्रुप बोला जाता था या oppressed ग्रुप बोला जाता था. ठीक है, they started calling themselves Dalit or oppressed. ठीक है, क्योंकि इनको जो समाज के चीज़ें थी in terms of dignity, in terms of respect, ये इनको कुछ भी मिलता नहीं था. ठीक है, so ये ग्रुप भाई साहब नेशनल मूवमेंट में अभी भी जुड़ नहीं रहा था. इनके तो खुद की आइडेंटिटी की क्राइसिस है, तो वो नेशन को कैसे बिल्डअप करेंगे. दे आर रिप्रेस्ड फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. बहुत सालों से इनका शोषण हुआ है और बहुत बुरी तरीके से शोषण हुआ था. ठीक है, तो इस कदर की भाई साहब इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था. ये जिस मतलब पूरे गांव वाले जिस कुएं से पानी निकालेंगे, ये उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते. ठीक है, सो दोज वर द थिंग्स दैट वेर प्रेविलेंट फॉर दीज पीपल. ठीक है, जस्ट फॉर मोमेंट पीपल. So they were called as Dalit or oppressed. These people were basically known as Dalit or oppressed. ठीक है, और ये जुड़ नहीं पा रहे थे. For long the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. तो Congress भी देख रही है भाई साहब हमको ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी चाहिए, तो इन्होंने Dalits को ignore ही करके रखा था. Dalits को कोई जा ही नहीं रहा था उन तक, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा population था जिसको हम national movement में include कर सकते थे. But Congress was mainly paying attention to higher caste Hindus. ठीक है, and Congress was basically, तो ये एक ignored community थी. ठीक है, ignored community थी, and for long they were not. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come from 100 years if untouchability was not eliminated. Mahatma Gandhi ne bola bhai sahab ye jo chhua chhoot ki bimari hai, theek hai, ye ek bimari hai, theek hai, it's a basically curse in the Indian society, this has to go off. Agar ye chhua chhoot rahega to hum divided hi rahenge, aur agar hum divided rahenge it's easier for the Britishers to rule over us. Theek hai, already hum religion se divided hain, abhi agar hum caste se bhi divided ho jaye, so it will be much easier for British Empire or for any empire to rule over India. ठीक है, so ये untouchability का जो था वैसे देखो इस तरह से खाना दिया जाता था, ऊपर से ऐसे फेंक कर. अगर कोई ब्राह्मण अगर कोई खाना दे रहा है तो ऐसे तरह से देता था, ये ले ऐसे ऐसे टच ना हो. ठीक है, तो इस तरह से भीख भी दी जाती थी. He called the untouchables हरिजन और the children of God. हरि मतलब गॉड. ठीक
कृष्ण का नाम है हरि, तो इन्होंने बोला भाई साहब अनटचेबल्स के नाम, इनको इनको बोला भाई साहब देवर हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, तो पहले इनका नाम ये क्या मानते थे, दलित हैं। ठीक है, दलित मतलब पीड़ित या शोषित। ठीक है, तो दलित से इन्होंने नाम ट्रांसफॉर्म किया हरिजन। तो ही वॉज ट्राइंग टू स्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम। सत्याग्रह करने लगे इनको भाई साहब इंक्लूड करने के लिए। तो एंट्री इन टू टेम्पल्स, इनकी एंट्री इन टू टेम्पल्स, आज तक इनको टेम्पल पर एंट्री नहीं थी, देवर डिनाइड एंट्री इन टू टेम्पल्स। ठीक है, देवर डिनाइड इन टू टेम्पल्स। और ये जो टेम्पल्स की एंट्री होती है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के एक बाहर का भी एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो बाहर में जैसे इंडिया के बाहर, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्किन कलर को लेकर है। हमारे इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जनरली रिलीजन पे है और कास्ट पे है। ठीक है, बाहर में जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया के बाहर, जनरली वो आपके स्किन के कलर पे है, बेसिकली यू आर ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो एक बंदा था, ही वॉज ब्लैक एंड ही वॉन्टेड टू नो अबाउट गॉड, ही वॉन्टेड टू गो इन द पाथ ऑफ गॉड। सो ही वेंट अप टू अ क्रिश्चियन फादर एंड आस्क्ड कि मुझे भगवान को पाना है तो आप उपाय बताइए। तो इन लोगों की एंट्री नहीं थी चर्च में, ठीक है, बिकॉज देवर ब्लैक्स, देवर प्रोहिबिटेड टू एंटर। ठीक है, तो क्रिश्चियन फादर ने उसको घुमा दिया, हाँ हाँ भगवान को पाना है ना, मैं बता दूंगा तुम्हें, पहले तुम शांत हो जाओ, पहले तुम अपने मन को शांत करो भाई साहब। ठीक है, फिर अपने जितनी भी मतलब वॉट एवर विशेज यू हैव उनको पहले शांत करो। ठीक है, अपने क्रोध को शांत करो, ये सब चीज़ शांत हो जाएगा, जब एकदम शांत हो जाओगे तब मैं तुमको बताऊंगा भगवान कैसे पाया जाता है। ठीक है, और वो जानते थे कि ये नहीं होने वाला है, किसी भी इंसान में वैसा अशांति तो कोई ना किसी टाइप की रहेगी। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद वो फादर मतलब गाँव में घूम रहे थे, कुछ महीनों बाद वो निग्रो फिर से मिला उनको, तो बोले कि अरे तुम आए नहीं वापस मजाक उड़ाने के लिए। तो बोले कि नहीं, मेरा मकसद मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। मतलब क्या बात कर रहे हो, भगवान मिल गया तुमको? हाँ। तो तुम शांत हुए भी नहीं, भगवान को पा गए? बोले हाँ पा गया मैं। ठीक है, तो बोले कि कैसे? तो बोला कि मैंने बहुत शांत होने की कोशिश की, आपने बोला तो मैं मेडिटेशन करता रहा करता रहा करता, भगवान को याद करता रहा करता रहा, और भगवान वाकई में मेरे सपनों में आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मेरी एक इच्छा है, तो उन्होंने पूछा कि भाई इतना तू मेहनत कर रहा है मुझे पाने के लिए, तेरी कोई ख्वाहिश है, तेरी कोई इच्छा है? तो मैंने बोला हाँ मेरी इच्छा है इस चर्च के अंदर जाने की। तो भगवान बोले थे जाके करेगा क्या? नहीं मैं मुझे सबको मालूम है चर्च के अंदर जाएंगे तो ही आपको पाएंगे। तो भगवान जोर से हंसने लगे, भाई साहब उस मंदिर के अंदर मैं ही नहीं हूँ, मेरे कोई एंट्री नहीं है, तेरे को कहाँ से एंट्री होगी, रहने दे भूल जा। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज़। आपके जितने भी मंदिर या जितने भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे दलितों को एंट्री नहीं थी। ठीक है, जो लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। ठीक है, देवर प्रोहिबिटेड टू एंटर, देवर प्रोहिबिटेड टू यूज़ द वाटर विच वॉज यूज बाई अदर पीपल इन द विलेज। ठीक है, बेस्ड बाई यूज बाई हायर कास्ट पीपल, एक्सेस टू टैंक्स, ये जो वाटर के टैंक्स होते थे इन पे भी इनका एक्सेस नहीं था। ठीक है, और क्या था भाई साहब, एक्सेस टू रोड्स, जिन रोड्स पे भाई साहब हायर कास्ट के लोग जाते थे इन पे भी इनका एक्सेस नहीं था। सो ऑल दीज एक्सेसेस वेयर बेसिकली डिनाइड। ठीक है, ऑल दीज एक्सेसेस वेयर बेसिकली डिनाइड। एक्सेस टू स्कूल्स नहीं था, जो बेसिक चीज़ें थी उनकी एक्सेस इनको डिनाइड थी, दे वेर बेसिकली डिनाइड। He himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi, the sweepers. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब जो लोगों को भंगी बोला जाता था, मतलब the people who used to clean basically sweepers को, तो इन्होंने खुद, गांधी जी ने खुद ये sweeping का काम किया। ठीक है, he got involved in cleaning all these things. ठीक है, so by for him it was just work. It has got nothing to do with your caste. ठीक है, ये काम है। ठीक है, और काम को काम की तरह से ही, इस काम को करने के लिए कोई नीची और ऊंची जाति में नहीं जा रहा है। ठीक है, ये काम है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो करेगा वो नीची जाति का हो जाएगा और उसको सारे एक्सेस हम डिनाई कर देंगे, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। सो ही स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क्स, ऑब्वियसली उसके साथ भी लोग जुड़ गए। ही परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अपर कास्ट के लोगों को भाई साहब इन्होंने कन्विंस किया कि ये छोड़िए ये सब। ठीक है,
फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दिस इज क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ. ठीक है, आपकी कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो रिलीजन पे तो और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा. ठीक है, सो ही टोल्ड देम टू प्लीज गिव अप दिस प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, ये बहुत ही एक सिन है, ये पाप है. बट मेनी दलित लीडर्स वे कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी. सो दूसरे जो दलित लीडर्स थे उन्होंने बोला कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप लोगों को कन्विंस करेंगे और बोलेंगे कि भाई भूल जाओ इनको, अनटचेबिलिटी मत करो, इससे काम नहीं होगा. वी हैव टू हैव आवर ओन फेडरेशन, हमारा एक भाई साहब उत्थान होना चाहिए. ठीक है, दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. तो ये भाई साहब रिजर्व सीट्स डिमांड करने लगे. ठीक है, देखो समाज कैसा है, समाज में अगर किसी को ऊपर लाना है, बहुत सालों से वो भाई साहब नीचे है, अगर किसी को ऊपर लाना है तो आप उसको कैसे ऊपर लाएंगे? ये ऊपरी वर्ग को बोलेंगे नहीं नहीं इन पे ऐसा मत कीजिए, ये तो आपका एक अवेयरनेस हो गया, अभी इनकी मर्जी. ये हो सकता है अनटचेबिलिटी पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, इससे इनकी मर्जी, आप चॉइस इनको छोड़ रहे हैं और ये अपने चॉइस से इन्होंने इनको दबा के रखा है. ठीक है, सो अगर अभी इनको इनके लेवल पे लाना है तो इनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये शिक्षित भी नहीं है. ठीक है, इनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, तो इनको अगर इनके स्तर पे लाना है तो हमको कुछ रिजर्वेशन करने पड़ेंगे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, ये सब रिजर्वेशंस करने पड़ेंगे ताकि ये समाज में एटलीस्ट आर्थिक तौर से ऊपर आए. जब आर्थिक समानता होगी तब जाकर आपके राइट्स भी समान हो जाएंगे. ठीक है, सो इस तरह से इन लोगों ने बोला कि भाई हम, आप गांधी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़े, मतलब यू आर रिक्वेस्टिंग द हायर कास्ट पीपल टू बी अ लिटिल मोर कंसिडरेट टू द लोअर कास्ट पीपल टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो आप बोल रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी है. हम इस मर्जी के खिलाफ, मतलब हम इस मर्जी से ही दबे हुए हैं, वो मर्जी से हमारा कितना उत्थान होगा. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस एंड लेट्स डू अ थिंग इन विच हमारा रिजर्वेशन हो. ठीक है, सो दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. सो वो डिमांड करने लगे क्या, रिजर्व्ड सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में. अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करने लगे दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो जो काउंसिल्स हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किए थे ताकि जितने भी इनके इंडियंस की समस्याएं हैं उनमें प्रस्तुत हों. तो इन्होंने भाई साहब बोला कि एक सेपरेट सा इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतलब कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो सिर्फ दलित समाज को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि दलित समाज की जो दुविधाएं हैं या जो उनके यू नो कष्ट वो भोग रहे हैं उनका प्रॉपर आपका रिप्रेजेंटेशन हो. ठीक है, सो अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज. तो जितने भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब उनको अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिले कहाँ पे, आपके इलेक्टोरेट में, सो दिस विल बेसिकली, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसएबिलिटीज. तो समाज में इतने सालों से वो पीड़ित और शोषित है, उनका उत्थान तभी हो सकता है जब उनको प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले. ठीक है, दैट वुड बेसिकली दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड. सो दलित पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि दलित लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये जो गांधी जी का एक प्रोसेस है कि वो हायर कास्ट को बोल रहे हैं कि लोअर कास्ट की तरफ आप थोड़ा सा कंसिडरेट रहिए, इनको अनटचेबिलिटी वगैरह ना कीजिए, इन सब से हम मतलब अपील कर रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं ज़्यादा. ठीक है, हमको भाई साहब हमारे लिए एक परमानेंट व्यवस्था चाहिए, और परमानेंट व्यवस्था चाहिए तो इसका मतलब हमको रिजर्वेशन चाहिए. हमको इस पूरे काउंसिल में कुछ ऐसे सीट्स चाहिए जहाँ पर सिर्फ दलित मेंबर्स ही इलेक्टेड होकर आ सकें ताकि वो हमारी समस्याओं का सही रूप से आपका रिप्रेजेंटेशन कर सके काउंसिल के सामने, ताकि उस समस्या का प्रॉपर समाधान हमको मिले. ये रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के हमको कुछ मिलने नहीं वाला है. तो इसीलिए दलित लोगों का जो क्राउड था, ठीक है, द हरिजन कम्युनिटी, दे डिडंट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स इन दिस नेशनल मूवमेंट. ठीक है, ओके,
बट इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे काफी सारा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. तो इन्होंने बोला भाई साहब जो आपका दलित का कम्युनिटी है दैट इज बेसिकली अ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. ठीक है. ही क्लैश्ड विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाई डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स. तो आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स ने भाई साहब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा था और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ अम्बेडकर का क्लैश हो गया. ठीक है. ही सेड दैट नहीं जस्ट बाई रिक्वेस्टिंग द हायर कास्ट पीपल टू बी मोर कंसिडरेट टूवर्ड द लोअर कास्ट इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व एट द रूट इटसेल्फ विच मीन्स दैट वी शुड मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट इन विच अ प्रॉपर इलेक्टोरेट वुड बी चोजन फ्रॉम द दलित कम्युनिटी टू रिप्रेजेंट इन द काउंसिल. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhi ji began a fast onto death. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है अगर आप चाह. देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना था, उनको काउंसिल बनाकर सिर्फ इन लोगों को मतलब खेलना है ना. काउंसिल बनाया है हमने, ठीक है आपके मुद्दों पे हम विचार करेंगे, कुछ करेंगे इसका आश्वासन नहीं है, लेकिन काउंसिल से आप मुद्दों को लेकर आइए. तो वो काउंसिल से अगर खुश हैं आप तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी भाई साहब ठीक है चलेगा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला हाँ जो डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं वो सही है, अगर इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ठीक है काउंसिल में इलेक्शंस के लिए तो माने दीजिए. गांधी जी ने बोला नहीं अगर ऐसा है तो आई विल फास्ट ऑन टू डेथ टिल आई डाई आई विल नॉट ईट और ड्रिंक. ठीक है. सो यहाँ से क्लैश बढ़ने लगा अम्बेडकर एंड He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into the society. तो इनके हिसाब से भाई साहब अगर हम separate electorate ही बना देंगे दलित community के लिए तो इनका जो अभी inclusion हो रहा है किसमें society में ये process और भी slow होने लगेगा. ठीक है. This process would go down slow because now the society would hate them all the more. अरे वाह ये तो भाई साहब ऊपर जा रहे तो इनसे और jealousy बढ़ेगी और society पे hatred बढ़ेगा. अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना पैक ऑफ सेप्टेम्बर 1932. तो एक पूना पैक साइन किया गया. अम्बेडकर ने बोला चलो छोड़ो ठीक है लेट्स काइंड ऑफ सेटल डाउन नाउ और एक पूना पैक साइन किया गया 1932 में. और अकॉर्डिंग टू दिस इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट्स. ठीक है. प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है. तो यहाँ पे लेटर ठीक है लेटर टू बी नोन एज इट गेव द डिप्रेस क्लासेस सीट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी और प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी सीट्स इनको रिजर्व सीट्स मिलने लगे बट दे वेर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट. तो ये जनरल इलेक्टोरेट इनका वोटिंग करेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग ही इसको वोट करेंगे, जनरल इलेक्टोरेट विल वोट देम. ठीक है. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट. तो ये तो हुआ पूना पैक्ट हुआ सब कुछ हुआ लेकिन दलित लोगों का अभी भी कांग्रेस पे और नेशनल मूवमेंट पे भरोसा नहीं था. ठीक है. दे थॉट दैट आर प्रॉब्लम्स विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ. जिस तरह से हम शोषित होते हुए आए हैं ठीक है वैसे ही हमारा शोषण कंटिन्यू रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पॉलिटिकल डायनेमिक्स इंडिया इज शेपिंग इन टू. ठीक है. ओके. The limits of civil disobedience movement, some of the Muslim political organizations in India, ये limits मतलब क्या है जो लोग नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. ठीक है. दे डिडंट पार्टिसिपेट इन ऑल दीज मूवमेंट्स दैट वेर लॉन्च्ड एट अ नेशनल लेवल बाय गांधी. ठीक है. ओके. सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वेर आल्सो ल्यूक वॉर्म. ल्यूक वॉर्म मतलब हाँ यार ठीक है मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा वाला एटीट्यूड. ठीक है. ल्यूक वॉर्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. ठीक है. ल्यूक वॉर्म मतलब ठीक है हम को अगर बुलाया तो हम आ जाएंगे लेकिन इस पे एकदम टूट के हम लग जाएं ऐसा नहीं. ठीक है. दे विल ल्यूक वॉर्म. ठीक है. गुनगुना पानी होता है ना मतलब जिसमें अगर आप हाथ डालें तो आपका हाथ जलेगा नहीं मतलब अच्छा ही लगेगा आपको. ठीक है. दैट इज कॉल्ड ल्यूक वॉर्म वाटर. ठीक है. दैट इज कॉल्ड ल्यूक वॉर्म वाटर. सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट क्या था भाई साहब अगर आप याद करें तो वर्ल्ड वॉर में टर्की का बहुत हैवी डिफीट हुआ था और हैवी डिफीट हुआ था तो ऑटोमन एम्पायर के जो टर्की जो वहाँ के खलीफा बोले जाते थे तो खलीफा पे भाई साहब बहुत सारा कुछ टैक्स या बहुत सारा कुछ ट्रीटी इम्पोज होने वाला था स्ट्रॉन्ग ट्रीटी इम्पोज होने वाला था और इसी के अगेंस्ट भाई साहब मूवमेंट था सारे जितने भी क्योंकि खलीफा जो थे वो सिम्बॉलिक हेड थे मुस्लिम्स के तो उन्होंने सारे देशों में एक
खिलाफत मूवमेंट भाई साहब स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी पहले पहले गांधी ने और कांग्रेस ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में नहीं किया। तो अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। सो बहुत बड़ा जो मुस्लिम का एक संप्रदाय था, वो दे फेल्ट दैट ओके आर कॉजेज विल नॉट बी टेकन अप, आर कम्युनिटी कॉजेज विल नॉट बी टेकन अप, सो लेट्स एलिनेट आर सेल्स और लेट्स कीप आर सेल्स अलूफ फ्रॉम दिस नेशनल मूवमेंट, ठीक है। From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. ठीक है, तो mid-1920s से Congress came to be more visibly associated. तो Congress बहुत ज़्यादा associate करने लगी with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. Hindu religious जो nationalist groups थे Hindu Mahasabha उसमें associate करने लगी, ठीक है। The relation between Hindus and Muslims worsened. तो यहाँ पे भाई साहब आपका relation जो था Hindus और Muslims में ये clash होने लगा and they started to basically struggle against each other. ठीक है, ये आपका clashes होने लगा. Each community organized religious processions with militant fervor. Militant fervor मतलब दंगे फसाद करने के लिए religious processions. ठीक है, हम जब religious procession निकालेंगे तो दूसरी community देखेगी उनको जलन होगा, हम जब निकालेंगे तो दूसरी community देखेगी तो उनको जलन होगा. ये आपका militant, एक militant temper से आप रिलीजियस पोजीशंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इट प्रोवोक हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज। तो काफी जगहों पर भाई साहब हिंदू मुस्लिम छोटे मोटे राइट्स होने लगे, छोटे मोटे भाई साहब डिफरेंसेस बढ़ने लगे एंड दिस वाज बेसिकली पेविंग द वे फॉर पार्टीशन दैट टुक प्लेस इन फ्यूचर। Every riot deepened the distance between the two communities. दो communities, that is Hindu और Muslim के communities के बीच में हर बार जब riot होता था तो इससे क्या बढ़ता था, उनका differences बढ़ता था, ठीक है। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance and in 1927 it appeared that such a unity could be forged, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या हुआ, Congress और Muslim League made efforts to renegotiate an alliance. तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर से एक बार कोशिश की क्या एक अलायंस बनाने की। इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड, ठीक है। तो आपका वैसा वैसा लगा कि वैसा वैसा यूनाइट हो रहा है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज वेयर ओवर, द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वेयर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज जो थे भाई साहब वो ओवर हो गए थे, द ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज। मोहम्मद अली जिन्ना हु वॉज बेसिकली द फर्स्ट President of Pakistan. Pakistan इनके बिना पे फॉर्म हुआ था। वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ वन मुस्लिम्स वेर अशोर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, कोई डिवीजन नहीं चाहिए, अगर हम भाई साहब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट अमाउंट ऑफ रिजर्व सीट्स मिले, ठीक है। मुस्लिम्स वेर अशोर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली। मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ मुस्लिम्स वेर अशोर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, ठीक है। टू रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। तो जो भी आपके मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस होंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। तो जैसे जहाँ जैसे उस टाइम पे पंजाब जो था ये आपका मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था, ये वाला जो बंगाल था वो भी इंडिया का पार्ट था बेसिकली, जहाँ पे अभी बांग्लादेश है, तो इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो दीज वेर मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन। तो अगर समझ लो यहाँ पे आपका हिंदू मुस्लिम्स इज टू हिंदूज का 80-20 रेशियो है, 80-20 रेशियो है लेट्स से मुस्लिम्स और हिंदूज का। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब जो इलेक्ट्रोड है उसमें भी 80% रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होने चाहिए मुस्लिम्स के और 20% रिप्रेजेंटेटिव्स एज पर हिंदूज, तो एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। तो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी एज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन होगा। Negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all parties conference in 1928 disappeared. तो भाई साहब जो भी था negotiation तो चल रहा था लेकिन सब कुछ बिखर गया। Miss M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. तो इन्होंने भाई साहब oppose किया compromise में, किसी भी type के compromise में। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the two
कम्युनिटीज। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया गांधी ने, सो इन दोनों कम्युनिटीज में, मतलब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में, एक डिस्ट्रस्ट था, एक सस्पिशन था एक दूसरे के लिए, ठीक है। दे बोथ वेयर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, देर वॉज अ डिस्ट्रस्ट अमंगस्ट ईच अदर। Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to the call of united struggle. तो एक बहुत बड़ा section जो है Muslims का, they were not able to participate or they didn't participate in the national struggle. ठीक है, they didn't participate in the national struggle. ठीक है, many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. तो उन्होंने क्या बोला भाई साहब, Muslims are basically a minority within India. ठीक है, a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. तो इनका ऐसा लगता था कि भाई साहब ये पूरा जो community है, मतलब हिंदू community है, ये majority community में है, तो अगर minority community के हम हैं तो हमारा सब कुछ, जो भी हमारा culture है, value है, religion है, ये सब दब जाएगा। ठीक है, we will not be basically able to sustain ourselves. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद, all these were in Wardha in 1935. ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, अभी देखो कलेक्टिव बिलोंगिंग बेसिकली क्या होती है, इसके पहले इंडिया मतलब छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में बटा हुआ था, तो सब में भाई साहब किस तरीके का सेंस था कि हाँ मेरी आइडेंटिटी मेरे गाँव के साथ है। ठीक है, मेरी आइडेंटिटी हो सकता है मेरी डिस्ट्रिक्ट के साथ है। ठीक है, बस उतनी आइडेंटिटी। आज की तारीख में आप बोल रहे हैं ना, आई एम एन इंडियन फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा कलेक्टिव आइडेंटिटी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। हर इंसान की भाई साहब उसके गांव के साथ ही आइडेंटिटी होती थी। ठीक है, उसके बियॉन्ड एक शहर है, उसके बियॉन्ड एक स्टेट है, उसके बियॉन्ड एक कंट्री है, ये आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, ओके, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म तभी बढ़ेगा भाई साहब जब सब कोई एकजुट होकर ये बिलीव करे कि दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ वन कंसोलिडेटेड नेशन। ठीक है, ओके, दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। ये है आपका भाई साहब कलेक्टिव आइडेंटिटी। सो वेदर आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र और वेदर समवन इज स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल और वेदर समवन इज स्टेइंग इन जम्मू एंड कश्मीर और वेदर समवन इज स्टेइंग इन तमिलनाडु, ऑल ऑफ देम आर फर्स्ट इंडियंस। ठीक है, स्टेइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ओके, बट हाउ डिड द नेशन बिकम रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग बेसिकली डेवलप कैसा हुआ? दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ठीक है, तो सब लोग जितने भी मूवमेंट्स लॉन्च हो रहे थे गांधी के, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जब सब लोग आकर पार्टिसिपेट करने लगे तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग होने लगी। ठीक है, ओके, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी शुड ऑल यूनाइटेडली फाइट फॉर इंडिया। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आने लगी। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। तो यूनाइटेड स्ट्रगल्स थी और इन स्ट्रगल्स से कलेक्टिव बिलोंगिंग की आइडिया। बट देयर वेर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। ठीक है, पीपल्स इमेजिनेशन, हिस्ट्री एंड फिक्शन। ठीक है, आपका भाई साहब हिस्ट्री एंड फिक्शन, हम हिस्ट्री से जुड़ने लगे। ठीक है, हिस्ट्री से जुड़ने लगे, तो जैसे अगर आप अपने ग्रंथों से जुड़ने लगते हैं, सो यू गेट दैट कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, ओके, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, तो आपके बहुत सारे फोकलोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब आपके यू नो कल्चरल जो आपकी चीज़ें होती हैं, दीज आर कॉल्ड फोकलोर्स। ठीक है, इससे यूनाइट लोग हैं। पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, तो आपका जैसे चरखा एक पॉपुलर प्रिंट है, आज की तारीख में नोटों में भी ये आपका पाया जाता है। ठीक है, सो दीज पॉपुलर सिम्बल्स वेर बेसिकली कनेक्टिंग पीपल। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, ऑल प्लेड अ मेजर पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सब का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। बाल गंगाधर तिलक एन अर्लियर 20th सेंचुरी प्रिंट। ठीक है, नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाई सिम्बल्स ऑफ यूनिटी। तो इनके भाई साहब जितने भी सिम्बल्स हैं, देखिए यहाँ पे आपके, तो दीज आर ऑल सिम्बल्स ऑफ यूनिटी। तो कहीं पे ताजमहल है, कहीं पे आपका भाई साहब भारत माता का छवि है। सो ये बाल गंगाधर तिलक का एक
फोटो है एंड ही इज बेसिकली सराउंडेड एवरीवेयर बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी. ठीक है, नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी. द सेक्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स दैट इज टेंपल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर. सो सब जगह भाई साहब टेंपल, चर्च, मस्जिद वगैरह ये सब एक साथ है. ठीक है, ओके. द आइडेंटिटी ऑफ नेशन एज यू नो इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज. जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी एक नेशन की इट इज सिंबलाइज्ड इन एन इमेज. तो हमारे लिए भी भारत माता का दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विच पीपल कैन आइडेंटिफाई विद द नेशन. ठीक है, तो ये एक भारत माता का छवि आने लगा. इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया बिकेम केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता. तो ये हमारे भारत माता के साथ, तो ये सारे पिक्चर्स, ये सारे आपके जितने भी सिंबल्स हैं, दे ऑल्सो प्लेड अ मेजर पार्ट इन यूनाइटिंग द इंडियन कम्युनिटी. ठीक है, पूरे कम्युनिटी को भाई साहब इंडियन को एसोसिएट. द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है, ही वॉज द वन हु एक्चुअली रोट द सॉन्ग वंदे मातरम, जो इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था. ठीक है, इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू द मदरलैंड. ठीक है, सो ये वंदे मातरम का जो सॉन्ग है इन्होंने लिखा था और ये पेंटिंग भी इन्होंने की थी. ठीक है, दिस पेंटिंग वॉज एक्चुअली डन बाई हिम. लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. तो आनंद मठ एक नॉवल था बेसिकली, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो गाना लिखा था उसको इन्होंने अपने एक नॉवल में इंक्लूड किया. और आनंद मठ में बेसिकली एक कहानी है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, ये इस पे कहानी है. और ये जब लॉन्च हुआ तो लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल एंड वाइडली संग बाय द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ये गीत. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता. ही वॉज बेसिकली द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, ही पेंटेड द फेमस इमेज. इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर. शी इज, ठीक है, शी इज काम, कंपोज, ठीक है, डिवाइन, स्पिरिचुअल. ठीक है, तो इन सारे, तो इनमें भाई साहब जो इट, ठीक है, सो दिस इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, दैट वॉज भारत माता. ठीक है, इन सब्सिक्वेंट इमेज ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता अक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, इट अक्वायर्ड मेनी, इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज पेंटेड बाई डिफरेंट आर्टिस्ट. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बनाया. डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म. तो ये भी एक चीज था जिसके वजह से लोग यूनाइट हो रहे थे एज अ नेशन. ठीक है, सो दीज पेंटिंग्स, दिस आर्टिफैक्ट्स, दीज हिम्स वेर यूनाइटिंग पीपल. भारत माता एंड अबिंद्रनाथ टैगोर 1905. नोटिस द मदर फिगर हियर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग. ठीक है, तो इसमें भाई साहब लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग ये सारे इनके हाथों में है. तो यहाँ पे लर्निंग है भाई साहब, दिस इज बेसिकली फूड, दिस इज क्लोथिंग. ठीक है, ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज. द माला इन वन हैंड एम्फेसाइजेस हर एस्थेटिक क्वालिटी. ठीक है, मतलब कूल और कामनेस. अबिंद्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन. ठीक है, सो अबिंद्रनाथ टैगोर ही बेसिकली वॉज अ ट्रूली इंडियन. उस टाइम पे रवि वर्मा वॉज अ फेमस पेंटर. ठीक है, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द पायनियन पेंटर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सो लेट्स सी. ठीक है, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडिया फोकलोर. फोकलोर मतलब जो कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह में जो गाना डांस होता है इसको हम फोकलोर बोलते हैं. ठीक है, इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाई बार्ड्स. तो ये भाई साहब फोक टेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब रिकॉर्ड करने लगे लोग. ठीक है, दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट बाई बार्ड्स. ठीक है, दे टूर विलेजेस टू गैदर फोक लोर्स एंड लेजेंड्स. ठीक है, तो ये भाई साहब एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे एंड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल दीज फोक लोर्स. ठीक है, एंड सिंगिंग दैम एज वेल. दीज टेल्स दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाई द आउटसाइड फोर्सेस. देखो, हमारा एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो बहुत सालों से चल रहा था. ठीक है, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया है. वी हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट आवर आइडेंटिटी. सो ऑल दीज प्रोसेस आर डूइंग व्हाट, दे आर रीबिल्डिंग आवर आइडेंटिटी एंड पुटिंग अस इनटू द मेनस्ट्रीम. ठीक है, दे आर रीबिल्डिंग आवर आइडेंटिटी. इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रेस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट. तो इससे आपका क्या हो जाएगा, हम अपने पास्ट से जुड़ने लगे. ठीक है, ये फोकलोर, ये कल्चरल आइडेंटिटी से हम अपने पास से जुड़ने लगे. ठीक है,
In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths. तो ballads होते हैं भाई साहब, लंबे लंबे songs होते हैं, ठीक है, nursery rhymes and myths. तो ये सारी चीज़ों से एक nationalism की भावना जागने लगी, ठीक है. He led the movement for folk revival. तो जो भी आपके यू नो ऐसे कविताएं होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जिसमें भाई साहब एक के बाद एक छंद होते हैं, उसको हम फोकलोर बोलते हैं, और इनको ये रिवाइव करने लगे. He started reviving. In Madras, Natesha Sastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब ऐसा एक पब्लिश किया. He believed that folklore was national literature. ये folklore basically national literature का एक हिस्सा है, ठीक है. It was the most trustworthy manifestation of the people's real thoughts and characteristics. तो जो लोग सोचते हैं इंडियंस और क्या सोचते हैं और क्या यू नो पूरे देश कैसा चलता है, तो इट विल बेसिकली डिपिक्ट दैट कल्चर, ठीक है. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. So ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे भारत माता की पेंटिंग हो, चाहे भाई साहब आपके मिथ्स लेजेंड्स की कोई फोकलोर हो या बैलेट्स हो, ये सारे तो नेशनल लीडर्स अभी समझने लगे कि इनसे लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है. तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अगर कोई बुक लिखी तो सारे बंगालीज उससे जुड़ेंगे, तो द एंटायर कम्युनिटी विल बेसिकली कम आफ्टर हिम एंड देन वी कैन बेसिकली पुट देम इन द एंटायर नेशनल स्ट्रगल, ठीक है. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येल्लो वॉज डिजाइन. तो ऐसा एक रेड कलर और ग्रीन एंड येल्लो वॉज डिजाइन, एक ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन हुआ जिसमें बीच में लिखा हुआ था भाई साहब वंदे मातरम, ठीक है. ओके, इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया and a crescent moon and representing Hindus and Muslims. So this is basically Hindus and Muslims, ठीक है, और बीच में भाई साहब वंदे मातरम. ये एक टाइप का फ्लैग बनाएगा, एक फ्लैग मतलब let's say it is representing India as a flag, ठीक है. तो एक फ्लैग बनाए, तभी इंडिया का फ्लैग रिलीज नहीं हुआ था. By 1921, गांधी जी had designed the स्वराज flag. तो उन्होंने भाई साहब स्वराज flag डिज़ाइन किया. It was again a tri-color, red, green and white से बना था भाई साहब. It had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian ideal of self-help. मतलब अपने कपड़े खुद ही बुन लो, ठीक है. ओके, self-help, आत्मनिर्भर. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. तो भाई साहब ऐसे flags को हम ऐसे carry करते हैं, तो it became a symbol of defiance. Defiance मतलब हम आपकी authority को नहीं मानते हैं, Britishers की authority को नहीं मानते हैं, ठीक है. We do not consider you as the final authority. ये क्या हो गया भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू, अ पॉपुलर प्रिंट, ठीक है, अ पॉपुलर प्रिंट. नेहरू इज हेयर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट, ठीक है. सो इन्होंने ये एक पॉपुलर प्रिंट हो गया. इट है इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स, नेशनलिस्ट लीडर्स आर शोन ऑफरिंग देयर हेड्स टू भारत माता, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे प्रिंट्स बने, बहुत सारे पेंटिंग्स बने, बहुत सारे फोटोज बने, जिसमें नेशनलिस्ट लीडर्स अपने अपने भारत माता के साथ, फोकलोर के साथ एसोसिएट होते हुए दिखे, ठीक है. द आइडिया ऑफ सैक्रीफाइस for the mother was powerful within the popular imagination, sacrifice for the mother, ठीक है. The sense of collective belonging, ठीक है. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. तो फिर से history, क्योंकि देखो history जो है वो बड़ी बेकार तरीके से अभी तक represent हुई है, ठीक है. It had basically been very badly represented, ठीक है. तो मतलब जैसे आपने देखा कि कुछ कुछ हिस्टोरियंस आए, उन्होंने पूरे पूरे ब्रिटिशर्स को ही भाई साहब ग्लोरीफाई किया. तो इसको फिर से हमको हिस्ट्री को जैसा हिस्ट्री था इंडिया में उसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है. ओके, By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation. Pride क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, ठीक है. Pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. तो Indian history को हम फिर से उजागर करेंगे. जो एक पुरातन history है, हम जो एक पुरातन civilization से उभरे हैं, इसको हमको depict करना है, ठीक है. So what had happened here is, the British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. ऐसा Britishers का मानना था कि ये all these Indians are basically backward and they will not be able to handle the country as a whole, ठीक है. Okay.
In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. तो जो बहुत बड़े बड़े महाराजा हुए थे, जो बहुत बड़े बड़े rulers हुए थे, great administrators हुए थे, उनको देखने लगे, ठीक है, history में झांकने लगे. They wrote about the glorious developments in ancient times, ठीक है, the art and architecture, भाई साहब क्या हुआ था, ठीक है, science and mathematics कैसे develop हुआ था, how did science and mathematics develop, religion and culture कैसे develop हुआ था, ठीक है, लॉ एंड फिलोसफी, जीवन के सिद्धांत, ठीक है, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ये सारे जितनी भी चीज़ें थी जो डेवलप हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि भाई साहब इंडियंस को कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे अलग अलग टाइम्स पे, ठीक है, उन सबको उजागर करने लगे, ठीक है. The glorious time in their view was followed by a history of decline when India was colonized. तो ये history को ऐसे represent करने लगे कि we had a good time and India was developing until Britishers came and until it was colonized. ठीक है, तो history को revive किया जाने लगा. These nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under the British rule. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब persuade किया कि भाई साहब you are belonging to a very old tradition of history. आपका एक भाई साहब वजूद है, ठीक है, उसको revive कीजिए, ठीक है. These efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography. अभी problem होने लगा कि भाई साहब past को अगर हम Hindu iconography में तो Muslims को problem हो जाएगा, ठीक है. So this again had its own. The people of other communities felt left out. So ये तो फिर हिंदू राष्ट्र ही हो रहा है, ठीक है. So they felt left out. भारत माता को भी जो the figure of भारत माता is a contrast to one painted by Abhindranath Tagore, ठीक है. तो रवींद्रनाथ टैगोर ने कोई स्पेसिफिकली भारत माता को हिंदू या मुस्लिम नहीं रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इट इज अ हिंदू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. हियर शी इज शोन विद अ त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट, बोथ सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है. Conclusion, a growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of the Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. तो अभी धीरे 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 सारे इंडिया में जितने भी लोग हैं ये एकजुट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements for independence. तो लोगों की जो दुविधाएं थी, लोगों की जो तकलीफें थी, उनको चैनलाइज करके नेशनल मूवमेंट में जोड़ा गया, ठीक है. They were basically organized into the national movement for independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. तो इन सारे मूवमेंट से भाई साहब नेशनलिस्ट का एक नेशनल यूनिटी डेवलप हुआ. बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स विद वेरीड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस. तो बहुत सारे लोग थे और अलग अलग लोगों के भाई साहब अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थे. जैसे आपके भाई साहब जो क्या कहते हैं अपने वर्कर्स थे जो आपके इसमें काम करते थे, कहाँ पे, प्लांटेशन वर्कर्स, उन्होंने सोचा कि चलो चलो अभी हमको खेत मिल जाएगा, हम अपने गांव में जाके काम करेंगे, स्वराज आ गया भाई साहब, स्वराज आ गया, ठीक है. सो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं थी, ठीक है. बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स अलग अलग लोगों की एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स विद वेरीड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस. सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी, सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस थी, ठीक है. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. So, अलग अलग लोगों के लिए फ्रीडम की मान्यताएं अलग अलग थी. सब लोग सोच रहे थे कि हमको ये मिलेगा फ्रीडम मिल गया तो, किसी ने सोचा हमको ये मिलेगा हमको फ्रीडम मिल गया तो. एवरीबडी थॉट डिफरेंटली अबाउट फ्रीडम, ठीक है, ओके. द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर, ठीक है. कांग्रेस भाई साहब कंटिन्यूसली काम कर रहा था कि ये बोलने के लिए कि भाई साहब जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का डिमांड दूसरे के लिए भारी ना पड़े, डिड नॉट एलिनेट द अदर, ठीक है. दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ एंड ब्रोक डाउन. तो सबके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं
और बहुत बार यूनिटी विद इन द मूवमेंट कांग्रेस में टूटता था, ठीक है। तो काफ़ी बार मूवमेंट टूटा। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वेयर फॉलोड बाई फेजेज ऑफ डिस यूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के बीच में भाई साहब इनर कॉन्फ्लिक्ट थे अलग अलग मुद्दों पर, और इसीलिए क्या होता था भाई साहब, जो हाई पॉइंट था वो टूटता था, ठीक है, जो हाई ठीक था वो टूटता था। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule. तो एक ऐसा nation emerge हो रहा था, ठीक है। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule. Colonial rule से freedom के लिए एक nation का निर्माण हो रहा था। So this basically completes your chapter of nationalism in India. We'll head on for the other chapters next time. Thank you so much for your valuable time. इसके बाद भाई साहब कौन